एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आशु लड़ेगा, रामगढ़ आशु लड़ेगा, गोमिया आशु लड़ेगा। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। तमाम राजनीति पार्टियां भी चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। अब सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए और इंडिया गठबंधन के तरफ से भी कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही है। हालांकि एनडीए अलायंस ने आज एक बड़ी घोषणा की। आपको बता दूं, बीजेपी मुख्यालय में आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी और आजसू के तरफ से रखा गया और बड़ी घोषणा की गई। झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी को 68, आसू को 10, जदयू को 2 और लोजपा रामविलास को 1 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को जमशेदपुर पश्चिमी और तमार सीट दी गई है, तो वहीं चिराग पासवान के एलजेपी रामविलास को चतरा सीट मिली है। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में बीजेपी आजसू जेडीयू और लोजपा रामविलास साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हम लोग साथ में चुनाव प्रचार करेंगे। परफेक्ट सीट शेयरिंग हुई है, झारखंड में एनडीए सरकार बना रही है। इस दौरान असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा, झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आसू लड़ेगा, रामगढ़ आसू लड़ेगा, गोमिया आसू लड़ेगा, ईसागढ़ आसू लड़ेगा, मांडू आसू लड़ेगा, जुगसलाई आसू लड़ेगा, दुमरी आसू लड़ेगा, पाकुड़ आसू लड़ेगा, लोहारदगा आसू लड़ेगा, मनोहरपुर आसू लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा सरसा हुए, इस हिसाब से ये 10 सीट आसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आसू अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करें। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 28 अक्टूबर को पर्चे की स्क्रूटनी की जाएगी। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं, तो वहीं दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर होगी। दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है, इसके लिए 30 अक्टूबर को पर्चे की स्क्रूटनी की जाएगी। 1 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 23 नवंबर को मतगणना होगी।